दोस्तों अवाम इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। जयपुर सिरसी रोड स्थित गणेश विहार कॉलोनी वासियों ने संकल्प लिया है कि ना खुद बाहर जाएंगे ना बाहर वाले को अंदर आने देंगे। कोरोना से लड़ना है और जीतना है, ये संकल्प सभी ने सोसाइटी के अध्यक्ष निमेश मुदगल द्वारा दिलवाई गई। निमेश मुदगल ने बताया कि पूरी कॉलोनी वालों ने मिलकर सैनिटाइज़र का छोटा सा प्लांट के रूप में लगाया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आता है वो पूरी तरह से सैनिटाइज होकर बाहर निकलता है। इस शानदार काम के लिए मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के उपाध्यक्ष ब्रजेश पाठक ने पूरी कॉलोनी वालों वासियों को बधाई दी। ये एक अच्छी पहल है और हर कॉलोनी वासियों को ऐसा करना चाहिए। इस मौके पर समिति के सचिव सर्वेश्वर पाल, उपाध्यक्ष बिरजू सिंह चौहान, स्थानीय निवासी मनोज शर्मा, मनीष पारिक व डॉक्टर बी एस जादौन मौजूद रहे। गणेश विहार कॉलोनी के सभी सदस्यों ने मिलके कोरोना वायरस की जो अभी प्रॉब्लम पूरे देश में चल रही है उसको रोकने के मद्देनज़र सभी कॉलोनी के लोगों ने मिलके अपनी कॉलोनी के अंदर ये सैनिटाइज करने की जो मशीन हम सब ने मिलकर लगाई है। धन्यवाद। जयपुर गणेश विहार सिरसी रोड पर स्थित एक कॉलोनी है, जिसमें पहली ऐसी कॉलोनी है जिसमें ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन लगाई गई है। इस मशीन की खासियत यह है, इसमें 5 सेकंड में पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाती है। कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए ये मशीन लगाई है। ये मशीन कॉलोनी वासियों के सहयोग से लगाई गई है।